हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। इस क्लास के जस्ट पहले की जो क्लास थी उस क्लास में आपको शुरू करवाया गया था बेसिक टूल्स यूज्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो पार्ट फर्स्ट था, लेक्चर फर्स्ट था। आज लेक्चर सेकंड शुरू हो रहा है। उस लेक्चर में आपको ये बताया गया था नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व क्या होता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व क्या होता है। तो दो तरीके के कर्व्स के बारे में आपको बताया गया था। आज हम तीसरे टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे सबसे पहले शुरुआत हो रही है थर्ड टाइप से, एक लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल कर्व। ओके, हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कर्व देखिए, हमने कहा था दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और जो वाई एक्सिस होता है वो वर्टिकल एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल कर्व का मतलब होगा व्हेन देयर इज नो चेंज ऑन वाई एक्सिस, when there is no change on y-axis। देखिए, आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल को हम x-axis पे लेते हैं और दूसरे को y-axis पे लेते हैं। अब हमने यहां लिखा when there is no change on y-axis, जब y-axis पे कोई चेंज ना हो, कहने का मतलब x-axis पे तो चेंज होगा लेकिन y-axis पे कोई चेंज नहीं हो, ऐसी कंडीशन में जो कर्व बनेगा वो कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल कर्व। समझते हैं इस डायग्राम से। देखिए, ये एक कर्व है, ये हॉरिजॉन्टल कर्व है, ठीक। इस पे तीन पॉइंट है ए बी एंड सी। इन तीनों पॉइंट्स को देखिए, ए बी और सी, इन तीनों पॉइंट्स को देखिए। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर ये जो वैल्यू है वाई की वो फिक्स पड़ी है। वाई एक्सिस पे वाई वेरिएबल को लिया गया है, एक्स एक्सिस पे वेरिएबल एक्स को लिया गया है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट या इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे, इस लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप चले जाएं, वाई की वैल्यू फिक्स है लेकिन एक्स बदल रहा है। देखिए, ए पॉइंट पे एक्स था एक्स वन, बी पॉइंट पे एक्स हो गया एक्स टू, सी पॉइंट पे एक्स हो गया एक्स थ्री। तो एक्स तो बदल रहा है लेकिन वाई एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो क्या है? फिक्स पड़ा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो पॉइंट्स आएंगे जब हम उनको मिलाएंगे तो शेप ऐसी होगी। इसको हॉरिजॉन्टल कर्व बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ये पैरेलल है, ठीक है। और जो एक्स के पैरेलल है ऑब्वियसली वो वाई के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो हमने यहां क्या लिखा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल है और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस इसके साथ ही 90 डिग्री के एंगल के साथ है। वाई एक्सिस यहां ये 90 डिग्री के एंगल के साथ है, इसलिए हमने क्या बोला? परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, एक्स वन से एक्स टू के बीच में हमने यू एरो लगाए हैं। ये एरो क्या शो कर रहे हैं? ये एरो कि यहां एक्स चेंज हुआ एक्स टू से एक्स थ्री, यहां चेंज हुआ एक्स टू से एक्स वन। और यहां क्या लिखा है हमने? यहां हमने यू लिखा है डेल्टा एक्स। देखिए, ये जो डेल्टा है ये डेल्टा शो करता है चेंज को। किसे शो करता है डेल्टा? चेंज को। डेल्टा एक्स का मतलब एक्स में चेंज हो रहा है। सो यहां डेल्टा एक्स है, एक्स में चेंज हो रहा है लेकिन वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कर्व कौन सा होता है? जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई के परपेंडिकुलर हो। दूसरी बात, कब बनता है हॉरिजॉन्टल कर्व? व्हेन देयर इज नो चेंज ऑन वाई एक्सिस। इसके बाद हम बात करेंगे अभी वर्टिकल कर्व के बारे में। वर्टिकल इसकी जस्ट रिवर्स कंडीशन होती है। फ्रेंड्स, ये है वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व हॉरिजॉन्टल कर्व का जस्ट अपोजिट है। यहां लिखा हुआ है व्हेन देयर इज नो चेंज ऑन एक्स एक्सिस। इस बार क्या लिखा है हमने? एक्स एक्सिस। पिछली बार क्या लिखा था? व्हेन देयर इज नो चेंज ऑन वाई एक्सिस। अब हम क्या लिख रहे हैं? व्हेन देयर इज नो चेंज ऑन एक्स एक्सिस। तो जो कर्व बनेगा वो कैसा होगा? वर्टिकल कर्व होगा। वर्टिकल क्यों? क्योंकि वो वर्टिकल एक्सिस के जैसा होगा, उसके पैरेलल होगा। समझते हैं यहां पे? देखिए, यहां वेरिएबल एक्स, यहां वेरिएबल वाई। अब आप देखिए, ये कर्व बना हुआ है, ये एक वर्टिकल कर्व है जो कि वाई के पैरेलल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई के पैरेलल है एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये रहा एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के क्या है? ये परपेंडिकुलर है। अब देखिए, इसके तीन पॉइंट्स है, एक है ए, दूसरा बी और तीसरा सी। ए बी एंड सी, इन तीनों पॉइंट्स को देखिए। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट या इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे चले जाए, एक्स क्या पड़ा है? कॉन्स्टेंट। देयर इज नो चेंज ऑन एक्स एक्सिस, देयर इज नो चेंज इन एक्स वेरिएबल, राइट। लेकिन देखिए, ए पॉइंट पे वाई है वाई वन, बी पॉइंट पे वाई है वाई टू, सी पॉइंट पे वाई है वाई थ्री।
बी और सी इन तीनों पॉइंट पे वाई में चेंज नजर आता है, वाई में चेंज हो रहा है, ये लिखा हुआ है डेल्टा वाई। ये गैप किसको शो कर रहा है? वाई में होने वाले चेंज को, वाई वन से वाई टू वाई का चेंज डेल्टा वाई, वाई टू से वाई थ्री वाई का चेंज डेल्टा वाई, यानी डेल्टा वाई तो है लेकिन डेल्टा एक्स नहीं है। वाई में चेंज है, एक्स में चेंज नहीं है। इन सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो जो शेप आएगी वो कैसी आएगी? वर्टिकल कर्व के पैरेलल, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल कर्व, वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल, क्या बोलेंगे इसको हम? वर्टिकल कर्व बोलेंगे। अब कई बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हॉरिजॉन्टल कर्व ये ऐसा है और वर्टिकल कर्व ऐसा है, हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और वर्टिकल कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस है सर ये तो, आप इसको कर्व क्यों बोलते हो? बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, फिर भी टर्म कर्व क्यों यूज हो रहा है? तो भैया कर्व तो ये है ही, ठीक है, हम यू बोल सकते हैं इसको, ये वो कर्व है जो लीनियर शेप में है, सीधे सीधे हैं, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन कर्व है। कर्व, कर्व इसकी एक जनरल टर्म है, ठीक है। नॉर्मली कर्व का मतलब बच्चे यूं लेते हैं इस तरह से या इस तरह से, जहां कोई ना कोई कर्व हो, कोई टर्न हो, कोई मोड हो, कोई टर्न हो, लेकिन यहां बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। हॉरिजॉन्टल कर्व हो चाहे वर्टिकल कर्व हो, हॉरिजॉन्टल कर्व हो चाहे वर्टिकल कर्व हो, ठीक है, ये है स्ट्रेट लाइन। इसके लिए टर्म क्या यूज होती है? दीज आर लीनियर कर्व्स, ये लीनियर कर्व्स है, क्लियर। तो ये हॉरिजॉन्टल था और ये वर्टिकल। अब जैसे हमने पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व्स को डायग्राम के एग्जांपल के साथ समझा था, डायग्राम तो बनाए थे साथ साथ एग्जांपल भी दिए थे। अब यहां पे मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया आपको, ना तो हॉरिजॉन्टल कर्व का और ना ही वर्टिकल कर्व का। अभी फिलहाल इस क्लास में, बेसिक टूल्स की इस क्लास में, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको हॉरिजॉन्टल कर्व होता क्या और वर्टिकल कर्व होता क्या। अब अलग अलग चैप्टर में इन डायग्राम्स का यूज होगा, तब हम स्पेसिफिकली आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये यहां पे वर्टिकल कर्व कंप्लीट होता है। अब अगले तीन टाइप के ऊपर हम बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट तीन डायग्राम जो है, अगले तीन, वो है कॉन्वेक्स कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व, कॉनकेव कर्व। ध्यान से देखिए, कॉन्वेक्स कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व, कॉनकेव कर्व, ठीक है। ये तीनों डायग्राम एक साथ बनाए गए हैं, क्योंकि इनको जब तक एक साथ नहीं बनाते ये समझ नहीं आते। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन कर्व के बारे में। स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी लाइन है, जहां कोई टर्न नहीं है, कोई मोड़ नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक। अब हम समझते हैं, देखो ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन और ये स्ट्रेट लाइन। अभी सपोज करो ये ओरिजिन का पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन को अपनी तरफ खींच ले, थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो इसकी शेप में थोड़ा बेंड आ जाएगा, इसकी शेप थोड़ी बिगड़ जाएगी। ओरिजिन ने इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है तो इसकी शेप कैसी बन जाएगी? ऐसी होगी कि नहीं होगी? ये स्ट्रेट लाइन था लेकिन अब ओरिजिन ने बीच में से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, खींचा है थोड़ा सा, तो इसकी शेप यूं हो जाएगी। ये वाली जो शेप होती है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। और अगर रिवर्स काम करता, ओरिजिन अपनी तरफ यहां बीच से अपनी तरफ खींचने की बजाय दूर भेज देता, यूं धक्का दे देता इसको, अपने से दूर भेज देता, तो शेप कैसी हो जाती? ऐसी बन जाती यूं। अब ये स्ट्रेट लाइन है, अब ये यूं हो जाएगी शेप। ये वाली जो शेप है इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव कर्व बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में या पूछे जाने पर ये तो नहीं लिख सकते ना कि यहां ओरिजिन ने अट्रैक्ट कर लिया, यहां ओरिजिन ने दूर भेज दिया, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो समझते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इन दोनों के बारे में क्या आखिर क्या खास बात है इनकी। तो ध्यान से देखिए, हमने इन तीनों कर्व पे तीन पॉइंट लिए, ठीक है, तीन तीन पॉइंट तीनों कर्व पे लिए, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ओके गाइस। अब हम ये जो तीनों पॉइंट है ए बी और सी, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर स्लोप की बात करेंगे। स्लोप क्या है ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे या सी पॉइंट पे, स्लोप कैसा है? स्लोप का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? ढाल कैसा है, स्लोप कैसा है? ध्यान से देखिए, ये अभी मार्कर जो है हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, ठीक है, कोई स्लोप नहीं है इसमें।
अब मैं इसको थोड़ा टर्न कर रहा हूं, टिल्ट कर रहा हूं, तो देखिए इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वापस रिवर्स करें, स्लोप कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये स्लोप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है स्लोप। और अब स्लोप क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आई आपको? स्लोप का मतलब आप जानते हैं अच्छे से, स्लोप का मतलब होता है ढाल। तो अब हम यहां पे तीनों कर्व्स में तीन पॉइंट लेते हैं, ए बी और सी, और हर एक पॉइंट पे स्लोप को समझते हैं, स्लोप कैसा है। अभी ध्यान से देखिए, ये ए पॉइंट, अगर मैं ए पॉइंट पे हूं तो स्लोप यू है। ये देखिए ब्लू कलर से ए बी और सी तीन पॉइंट लिखे हैं, और साथ साथ एक रेड कलर का एरो और बनाया गया हर एक पॉइंट के साथ। ये रेड कलर का एरो स्लोप को बता रहा है कि स्लोप कैसा है। तो देखिए ए पॉइंट पे स्लोप ऐसा था, बी पे आए तो स्लोप थोड़ा कम हुआ, सी पे आए तो स्लोप और कम हुआ। आप यूं समझो कि ए पॉइंट से नीचे आते हो बहुत तेजी से नीचे आएंगे, बी पे थोड़ा धीमे है, सी पे और स्लो जाएंगे, क्योंकि ए पे देखिए बहुत स्टीप है बात, ए पॉइंट बहुत ज्यादा स्टीपर है, फिर बी पे आए तो थोड़ा स्टीपनेस कम हुआ और सी पे और कम हुआ, यानी स्लोप ज्यादा था और स्लोप कम हुआ, स्लोप ज्यादा था और स्लोप कम हुआ। तो यूं आएंगे तो पहले स्लोप ज्यादा था, अब स्लोप कम, इसलिए हमने यहां क्या लिखा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। यानी आप यूं आगे बढ़ते हो, ओरिजिन से आगे बढ़ते हो एक्स एक्सिस पे, तो इस कर्व पे स्लोप कंटिन्यूअसली क्या होता जाता है, कम होता जाता है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। यानी सबसे ज्यादा स्लोप ए पॉइंट पे था, उसके बाद स्लोप कम हुआ, और फिर सी पॉइंट पे स्लोप और कम हुआ। तो हमने लिखा स्लोप ऑन ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑन बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑन सी, सबसे ज्यादा ए पे, फिर बी पे और फिर सी पे। वही कॉनकेव कर्व पे बात करते हैं स्लोप के बारे में। तो देखिए ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट को, एक यहां स्लोप यू था, यहां आए स्लोप बढ़ा और यहां आए स्लोप और बढ़ा। जैसे जैसे कर्व स्टीप होता जाता है, देखिए ये फ्लैट है अभी, ठीक है, ये स्टीप होता जा रहा है, जैसे मैं इसको टर्न कर रहा हूं ये स्टीप होता जा रहा है। तो जैसे जैसे पॉइंट्स में स्टीपनेस बढ़ेगी वैसे वैसे स्लोप बढ़ेगा। तो ए पॉइंट पे थे तो हम, ये रेड कलर वाली लाइन क्या शो कर रही है, इसकी स्टीपनेस को या फ्लैटनेस को शो कर रही है। तो ए पॉइंट पे हम यू थे, बी पे आए तो थोड़ा स्टीपनेस बढ़ा, फ्लैटनेस कम हुआ, सी पे और स्टीप हो गए, तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। यहां स्लोप कम था, फिर बढ़ा 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 और ज्यादा बढ़ गया। तो हम देखें तो यहां कॉनकेव कर्व में स्लोप कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो हमने यहां क्या लिखा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। सबसे ज्यादा स्लोप कहां पे है भाई, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट से कम स्लोप है बी पे, और उससे कम कहां पे, ए पॉइंट पे स्लोप। तो हमने फाइनली यू कंक्लूजन लिखा कि स्लोप ऑन ए इज लेस देन स्लोप ऑन बी, स्लोप ऑन बी इज लेस देन स्लोप ऑन सी, सबसे ज्यादा सी पे, उसके बाद स्लोप बी पे, और उसके बाद स्लोप ए पे। तो हम ये समझे कि जो कॉनकेव कर्व होता है उस पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। वहीं जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स कर्व की, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप कंटिन्यूअसली क्या होता जाता है, कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। इन दोनों को हमने समझा, तो अब सवाल उठता है, सर ये स्ट्रेट लाइन के तीनों पॉइंट ए बी और सी पे स्लोप कैसा होगा? तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ए बी और सी। अगर आपने ये समझ लिया अच्छे से और ये समझ लिया, तो इसको देखने से ही पता लग रहा है यहां ए पे स्लोप, बी पे स्लोप और सी पे स्लोप, तीनों पे स्लोप कैसा है, एक जैसा, एक बराबर, कॉन्स्टेंट, एक जैसा स्लोप है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट। यहां क्या था, डिक्रीज हो रहा था, यहां क्या हो रहा था, स्लोप इंक्रीज हो रहा था, जबकि यहां पे स्लोप कैसा है भैया, कांस्टेंट है। तो हमने क्या लिखा, स्लोप इज कांस्टेंट। तो स्लोप ऑन ए इज इक्वल्स टू स्लोप ऑन बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑन सी, ठीक। अब आप बहुत सारे डायग्राम बनाओगे जो कॉन्वेक्स होंगे या कॉनकेव होंगे या स्ट्रेट लाइन होंगे। तो यहां आपको प्रॉपर्टी पता लग गई कि कॉन्वेक्स कर्व पे स्लोप कम होता जाता है, कॉनकेव पे स्लोप बढ़ता जाता है, और यहां स्लोप कांस्टेंट होता है, राइट। तो ये तो मैंने आपको डायग्राम बना के स्लोप के बारे में बताया, लेकिन हमें आगे बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे जहां स्लोप की मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि इस ए पॉइंट पे या बी पॉइंट के बीच में ये जो स्लोप है इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ स्लोप। ओके गाइज, गाइज अब हम बात करेंगे कि स्लोप को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। हमें कई बार बहुत सारे टॉपिक्स में कई सारे डायग्राम्स के लिए स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा मैथमेटिकली, उसका स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करके।
तो अब यहां पे बात करेंगे स्लोप के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में कि स्लोप का फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, आप देखें यहां बोर्ड की तरफ, आपके सामने यहां पे दो डायग्राम बनाए गए हैं, ठीक, पहला ये, दूसरा ये। आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है। ठीक, दोनों ट्रायंगल की खास बात ये है कि ये एंगल 90 डिग्री का है और यहां पे ये एंगल भी 90 डिग्री का है। अब ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये जो शेप आई है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या कहलाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दोनों कौन से ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये इस ओ ए बी कर्व के अंदर ओ से लेकर ए तक हुआ परपेंडिकुलर, ओ से लेकर बी तक हुआ बेस, और ए से सी की ये जो डिस्टेंस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, ऐसा ओ से जे यहां परपेंडिकुलर है, ओ से लेके के तक यहां बेस है और जे से के तक क्या है, हाइपोटेनस है। ओके, अब हम इन दोनों कर्व के लिए स्लोप को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां ए पॉइंट से और यहां जे पॉइंट से, मान लीजिए यहां ए पॉइंट से मैं किसी को नीचे गिरा देता हूं और यहां जे पॉइंट से नीचे से गिराता हूं, तो आप दोनों डायग्राम को देखकर बताइए ज्यादा तेजी से हम कहां से नीचे आएंगे। ए से गिरेंगे तो यूं आएंगे, जे से गिरेंगे तो यूं आएंगे। तो जे से के तक की डिस्टेंस तो ऐसी है, जबकि ए से बी की डिस्टेंस काफी फ्लैट नहीं, स्टीप है। ए से लेके बी की डिस्टेंस कैसी है, स्टीप है, और जे से के की डिस्टेंस थोड़ी फ्लैट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्लोप आ रहा है ये ज्यादा स्लोप है और ये स्लोप कम है। इस ट्रायंगल में ए से बी की जो स्लोप की बात करें, ये स्लोप ज्यादा है और यहां इसका स्लोप कम। तो मैं लिखता हूं यहां पे स्लोप ज्यादा है और इस वाले ट्रायंगल में स्लोप कम है। ठीक, हम बात करें हाइपोटेनस की, तो यहां तेजी से नीचे आएंगे और यहां धीरे से। अब सवाल ये उठता है ऐसा क्यों, इसका स्लोप ज्यादा क्यों और इसका स्लोप कम क्यों है। तो आप जब इस डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो आपको साफ नजर आ रहा है ये वाले कर्व में परपेंडिकुलर ज्यादा है जबकि इसका परपेंडिकुलर छोटा। ज्यादा परपेंडिकुलर, ऊंचा परपेंडिकुलर, यहां परपेंडिकुलर छोटा है। तो जब ज्यादा होता है परपेंडिकुलर तो स्लोप भी ज्यादा होता है। जितना ज्यादा ये परपेंडिकुलर बढ़ता जाएगा स्लोप उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे परपेंडिकुलर छोटा होता गया यहां पे स्लोप भी क्या होता गया, इसके कंपैरिजन में कम होता गया। यानी कंक्लूजन ये निकला, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विथ परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर के साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, यानी परपेंडिकुलर बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा। अब खाली परपेंडिकुलर की बात है क्या, नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हाइपोटेनस जो है, ये स्लोप जो है, इसकी जो दोनों किनारे हैं, दोनों एजेस जो हैं, एक जुड़ी हुई है परपेंडिकुलर से दूसरी बेस से। एक परपेंडिकुलर से जुड़ा हुआ है पॉइंट और दूसरा पॉइंट इसका बेस से जुड़ा हुआ है। अब इसके बेस में भी डिफरेंस है दोनों कर्व के। यहां ध्यान से देखिए, बेस छोटा है और यहां बेस बड़ा है। तो जितना बड़ा बेस होता जाएगा कर्व फ्लैट होता जाएगा और स्लोप कम होता जाएगा। बेस बड़ा है इसका इसलिए स्लोप कम, इसका बेस छोटा है इसलिए ये स्टीप हो गया और स्लोप क्या हो गया इसका, ज्यादा। अगर मैं इस बेस को बढ़ा के यहां ले आऊं तो ये कर्व फिर यूं जाएगा यहां पे ऐसे, इसका मतलब फ्लैटनेस बढ़ जाएगी, स्लोप बढ़ जाएगा। कंक्लूजन ये आया, वन अपॉन कर देंगे बेस के, क्या शो कर रहा है ये कि स्लोप बेस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। कहने का मतलब यह हुआ कि बेस बढ़ेगा तो स्लोप कम होगा, बेस कम होगा तो स्लोप बढ़ेगा। तो यहां बेस कम स्लोप ज्यादा, यहां बेस ज्यादा तो स्लोप कम। तो फाइनली कंक्लूजन क्या आया, फॉर्मूला क्या आया हमारे सामने, फॉर्मूला यह आया, स्लोप इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको
अब हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है? क्या फॉर्मूला आया स्लोप का? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सारा डायग्राम हमने समझा और सीधा हम कंक्लूजन पे पहुंचे, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके अलावा एक तरीका और है, यूजुअली वही यूज होता है। ये तो सिर्फ ये फॉर्मूला कैसे बना ये समझाने के लिए मैंने ये ट्रिक की यूज की। देखिए यहां ये जो एंगल बने हुए हैं, ये वाले जो एंगल, इसको थीटा बोलते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं टेन थीटा को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टेन थीटा को। अब आपने टेंथ क्लास और उससे पहले आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक्स, पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड हार्ड बुक्स, याद है? वैस के अंदर आपको समझाया गया था। या कुछ लोग, कुछ बच्चे इसको ऐसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बेसिकली बात यूं है कि इसमें तीन फॉर्मूले बन रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है? तो ये वाली जो इक्वेशन है पहले वाली परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, ये साइन थीटा के लिए होती है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा के लिए होती है, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके लिए होती है? टेन थीटा के लिए होती है। तो यहां जो ये एंगल होता है ये टेन थीटा है, और टेन थीटा है इसलिए क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ये तो हुई मैथमेटिकल बात। अब सारे बच्चे मैथमेटिकली इतने कंफर्ट नहीं होते हैं तो भूल जाइए इस बात को, इस बात को, ठीक? आप तो बस इतना ध्यान रखिए कि एक फोटो ये है और दूसरा फोटो ये। आप जब यहां से नीचे आते हो तो ज्यादा तेजी से नीचे आते हो, स्पीड से नीचे आते हो, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है। यहां इसके कंपैरेटिवली धीमे धीमे नीचे आओगे, स्लोली ग्रेजुअली धीमे धीमे नीचे आओगे। इसका मतलब इसका स्लोप कम है। इसका स्लोप ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसका परपेंडिकुलर बड़ा है और बेस छोटा, और इसका स्लोप कम इसलिए है क्योंकि परपेंडिकुलर छोटा और बेस ज्यादा। तो कंक्लूजन ये आया कि जैसे जैसे बेस बढ़ता जाएगा स्लोप कम होता जाएगा, और जैसे जैसे परपेंडिकुलर बढ़ता जाएगा स्लोप बढ़ता जाएगा। तो फाइनली हमारा स्लोप का फॉर्मूला इस कंक्लूजन के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं, स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है? तो ये यहां पे स्लोप का फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको आपको हमेशा याद रखना है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, ठीक? अब किसी भी डायग्राम में उसको कैलकुलेशन में कैसे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला को, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को, अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। गाइस अब हम समझेंगे उस स्लोप के फॉर्मूले का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हर जगह यूज आएगा, ठीक है? देखिए यहां मैंने एक डायग्राम बनाया है जहां एक्स एक्सिस पे कोई वेरिएबल एक्स है और वाई एक्सिस पे कोई वेरिएबल y है, ठीक? और देखिए ये कर्व है, एक नेगेटिवली स्लोप कर्व है हमारे सामने, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। इस नेगेटिवली स्लोप कर्व या इस लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन के ऊपर, या इस नॉन कर्विलीनियर कर्व के ऊपर, या इस लीनियर लाइन या लीनियर कर्व के ऊपर दो पॉइंट बनाए हैं अपन ने। एक बनाया है ए पॉइंट और दूसरा बनाया है बी पॉइंट। हमें स्लोप कैलकुलेट करना है, ए से बी तक का स्लोप जो है हमें उसको कैलकुलेट करना है, ए से बी तक के स्लोप की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमारा फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो यहां अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा वो समझे। देखिए ए पॉइंट पे एक्स कितना यूज हो रहा है, तो ये ए पॉइंट पे एक्स यूज हो रहा है एक्स वन, और ए पॉइंट पे वाई कितना है वाई वन, ए पे एक्स कितना है एक्स वन और वाई कितना है वाई वन, वही बी पॉइंट पे एक्स कितना है एक्स टू और वाई कितना है वाई टू, बी पॉइंट पे एक्स है एक्स टू और वाई है वाई टू, ए पॉइंट पे एक्स है एक्स वन और वाई है वाई वन, ठीक? अब ध्यान से देखिए यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है,
यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। गौर से देखिए इस एम पॉइंट को, ए पॉइंट को और बी पॉइंट को, एम ए बी, ये पूरा का पूरा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइट एंगल ट्राइंगल को। इसके अलावा देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए एम परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम बी बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी पहले जो दो डायग्राम बना के आपको फॉर्मूला समझाया था वैसा ही डायग्राम आ गया हमारे सामने। तो हमें ये ए बी इस स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो इस स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या फॉर्मूला होता है स्लोप का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए इस डायग्राम में परपेंडिकुलर कौन है, ए एम, ए एम है परपेंडिकुलर, तो यहां हमने लिख दिया परपेंडिकुलर की जगह ए एम, और बेस कितना है तो देखिए ये रहा बेस एम बी, तो ये हमने लिख दिया यहां पे एम बी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से स्लोप क्या आया, ए एम अपॉन एम बी, तो ए एम अपॉन एम बी हमने लिख दिया वहां। अब गौर से देखिए ये ए एम यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि y1 से लेकर y2 की डिस्टेंस, एक ही बात है ना, ये AM, ये जो डिस्टेंस है किसको शो कर रही है, ये वाले एरिया को शो कर रही है, y1 से y2 तक का ये जो एरिया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा y को, ये वाला एरिया जो है ना इतना, ये किसको चेंज कर रहा है, y में होने वाले चेंज को, जिसको शो करते हैं डेल्टा y से, यानी AM किसके बराबर हुआ, डेल्टा y के बराबर। तो हमने यहां इस AM की जगह क्या लिख दिया, डेल्टा y लिख दिया। ठीक, और इस एम बी की जगह क्या लिखना है, ध्यान से देखिए ये रहा एम बी यहां से लेकर यहां तक, ये जो एम बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वन एक्स टू के गैप को, एक्स वन एक्स टू का गैप यानी डेल्टा एक्स, तो एम बी की जगह, इस एम बी की जगह हमने क्या लिखा, डेल्टा एक्स। तो स्लोप का फॉर्मूला हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई यानी वाई एक्सिस पे होने वाला चेंज, और डेल्टा एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे होने वाला चेंज। तो y एक्सिस पे होने वाला चेंज अपॉन x एक्सिस पे होने वाला चेंज, चेंज ऑन y एक्सिस अपॉन चेंज ऑन x एक्सिस, ये हो जाएगा स्लोप का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक, क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी चेंज ऑन y एक्सिस अपॉन बेस, बेस यानी चेंज ऑन x एक्सिस। तो क्या होगा स्लोप का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, चेंज ऑन y एक्सिस अपॉन चेंज ऑन x एक्सिस। अब देखिए लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने एक डायग्राम बनाया था, वहां उस डायग्राम में हमने y एक्सिस पे लिया था प्राइस, ठीक, और x एक्सिस पे हमने लिया था डिमांड, याद है, नेगेटिव स्लोप कर्व बना था, y एक्सिस पे प्राइस लिया था और x एक्सिस पे डिमांड लिया था। अब उस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए अगर स्लोप पूछ लिया जाए आपसे, कैलकुलेट करिए, तो क्या होगा स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज ऑन y एक्सिस, तो आपने क्या लिया है y एक्सिस पे प्राइस, तो फॉर्मूला होगा चेंज इन प्राइस, ओके, अपॉन चेंज ऑन एक्स एक्सिस, क्या लिया आपने एक्स एक्सिस पे, डिमांड, चेंज इन डिमांड। तो क्या होगा उस कंडीशन में फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी चेंज ऑन वाई एक्सिस अपॉन चेंज ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन डिमांड, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल वाई एक्सिस पे उसका चेंज अपॉन जो भी वेरिएबल एक्स एक्सिस पे उसका चेंज, ये होता है स्लोप का फॉर्मूला, और हमें स्लोप कई बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और एक्स्ट्रा बात आपको बताता हूं, और ये बेसिक टर्म्स वाले टॉपिक को हम यहां पे कंप्लीट करेंगे। गाइस, यहां पे एक लैटिन वर्ड लिखा हुआ है, लैटिन भाषा का वर्ड लिखा हुआ है, सेटेरिस पेरिबस, सेटेरिस पेरिबस। ये टर्म इकोनॉमिक्स में कोई भी रूल, कोई भी लॉ जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अप्लाई होने वाली है, बहुत काम आने वाली है वहां पे। देखिए सेटेरिस पेरिबस का मतलब क्या है, इसका मतलब है अदर थिंग्स इक्वल, इसका मतलब है अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, इसका मतलब है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक, तो सेटेरिस पेरिबस एक जनरल टर्म हम बार बार बहुत सारे लॉज के अंदर पढ़ेंगे, मतलब होता है इसका बाकी दूसरे फैक्टर्स हम कांस्टेंट रख रहे हैं। इसको एक एग्जांपल से समझिए, जैसे
लास्ट लेक्चर में आपको समझाया गया था प्राइस और सप्लाई के बारे में। क्या समझाया गया था? प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई डिक्रीज होती है। बताई गई थी ये बात, एक टेबल ली थी, उसका डायग्राम बनाया था, पॉजिटिवली स्लोप कर्व भी बना था, लेकिन वहां पे एक बात कही थी मैंने, वो ये थी कॉस्ट कांस्टेंट है भैया, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक, यानी मैंने ये माना था वहां पे चेंज सिर्फ प्राइस में हो रहा है, कॉस्ट कांस्टेंट है। कॉस्ट क्या? कॉस्ट के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे कांस्टेंट है। कहने का मतलब ये, एक प्रोडक्ट की सप्लाई को बहुत सारे फैक्टर असर करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, कई फैक्टर्स बदलने पर सप्लाई बदल जाएगी, लेकिन हम यहां सिर्फ और सिर्फ प्राइस और सप्लाई के बीच का रिलेशनशिप पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। बाकी जितने भी फैक्टर है प्राइस के अलावा जो सप्लाई के ऊपर अपना असर रखेंगे, उन सारे फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, हम ये मानकर चल रहे हैं। वो सारे के सारे फैक्टर कॉन्स्टेंट पड़े हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं, समझ गए? उस अदर फैक्टर को कांस्टेंट मानकर चलना क्या कहलाएगा? सेटरस पैरिबस। इसके अलावा ये टर्म अदर फैक्टर आर कांस्टेंट वाली जब मैं लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाऊंगा तब और ज्यादा क्लियर होगी। ठीक, इसके अलावा एक और एग्जांपल लिया गया था, याद करिए हमने एक डायग्राम और बनाया था प्राइस और डिमांड के बीच का। हमने कहा था प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। जब मैं ये बात करता हूं ना प्राइस और डिमांड की, तब वहां पे मेरी एजम्पशन होती है सेटरस पेरिबस, यानी मैं ये मानकर चलता हूं बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट। क्या मानकर चलता हूं? कि भैया इस डिमांड को प्राइस का इफेक्ट पड़ता है। क्या खाली प्राइस का इफेक्ट पड़ता है क्या डिमांड पे? नहीं, इस डिमांड के ऊपर प्राइस के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो अपना असर रखती है, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम, उसका भी असर पड़ेगा। कंज्यूमर का क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, उसका असर पड़ेगा। मौसम कैसा है, उसका भी असर पड़ेगा। यानी एक डिमांड को बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन जब हम प्राइस और डिमांड की बात करते हैं तब हम बाकी सारे के सारे फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट मानकर चलते हैं कि उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो कॉन्स्टेंट पड़े हैं, उनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है इस डिमांड पे। इस डिमांड पे जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस का है। इसको बोलते हैं अदर थिंग्स आर इक्वल और कॉन्स्टेंट और सेटरस पैरिबस, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार हम दो चीजों का रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो हमें यह मानकर चलना पड़ेगा बाकी सारी चीजों का इफेक्ट नेग्लिजिबल है, बाकी सारी चीजों का इफेक्ट जो है वो खत्म हो चुका है, उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो कांस्टेंट पड़ी है, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो ये एक सेटरस पेरिबस की टर्म, ये आपको और इस बेसिक्स की क्लास में समझानी थी। तो यहां पे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो हैं बेसिक टर्म्स को लेकर वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप ग्राफ्स के बारे में काफी कुछ जानने लगे हो और स्लोप के बारे में जानने लगे हो, तो अब हम आगे की जो क्लास आएगी आपकी उसमें हम एक चैप्टर शुरू करेंगे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम होगा थ्योरी ऑफ डिमांड। थैंक यू।